नमस्कार दोस्तों, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के मुताबिक कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल में जाने की अनुमति मिल चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को किन किन गाइडलाइंस के तहत जो है स्कूलों में प्रवेश की यहां पे अनुमति जो है दी गई है। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जो है अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में मैंने उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा रखा है कि अनलॉक 4 के अंतर्गत किन किन चीज़ों को खोला गया है, किन किन चीज़ों को बंद रखा गया है, क्या टाइमिंग है, क्या गाइडलाइंस के तहत किन किन चीज़ों का यहाँ पर जो है एक बार फिर से आवागमन हो पाया है। दोस्तों इन गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल कॉलेज जो है 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है, लेकिन कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल विजिट की अनुमति दी गई है। यानी कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं वो स्कूल में जा सकते हैं। तो दोस्तों किन गाइडलाइंस के तहत जो है उनको स्कूल में जो है अनुमति दी गई है, किस तरीके से जो है वो स्कूल में जा सकते हैं, इन किन गाइडलाइंस के मुताबिक उनको पालन करना होगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने जो अनलॉक 4 के तहत जो है गाइडलाइंस जारी की हैं उनमें आपको बता दें, राज्य चाहे तो 50% टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने के लिए कह सकता है। दिशा निर्देश 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल कॉलेज और अन्य जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनको 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। नए दिशा निर्देश के अनुसार 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति दी जाएगी। और दोस्तों ओपन एयर थिएटर को छोड़कर बाकी सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल थिएटर 30 सितंबर तक एक बार फिर से बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी यात्रा को छोड़कर सभी जो है स्थगित रहेंगी। सरकार ने कोरोना वायरस के अभी भी बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि देश में संक्रमित लोगों की संख्या जो है 34 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। देश में संक्रमण दर जो है 8.75% की दर से लगातार गिरावट हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में करीब जो है कोविड-19 के 76,472 मामले रोजाना कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, किन गाइडलाइंस के तहत जो है अब आपको बता दें, बीते 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा मरीजों की संख्या देखने को मिली है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी भी जो है अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है कक्षा 9 से 12वीं तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, उनको अनिवार्य जो है मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ जो है 50% स्टाफ और 50% बच्चों को ही एक साथ स्कूल में आने की अनुमति दी गई है। इन गाइडलाइंस के अनुसार ही जो है अब आगे की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से की जाएगी। अब सिर्फ जो है 9वीं और 12वीं तक के 9, 10, 11, 12 यानी कि सिर्फ 4 कक्षाओं को ही आने की अनुमति दी गई है। ये भी दोस्तों स्वेच्छा पे है, अगर वो चाहे तो आ सकते हैं, अन्यथा दोस्तों नहीं भी आ सकते। सरकार द्वारा अभी तक पूरी तरीके से स्कूल और कॉलेजों के ताले जो है नहीं खोले गए हैं। तो दोस्तों ये थी कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को लेकर नई गाइडलाइंस के मुताबिक किस तरीके से स्कूल जो है सुचारू रूप से प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी इसी तरीके से आप गवर्नमेंट की पल पल की अपडेट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएँ हैं उनसे रिलेटेड वीडियो देखना चाह रहे हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले। और जानकारी पसंद आई हो और जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को दिल से एक लाइक करके हमारे मोटिवेशन हमारे उत्साह को जरूर बढ़ाएं। और दोस्तों जो भी आप कि मन में कोई भी प्रश्न हो कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक की जानकारी पहुंच सके। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएँ।